एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, इसे बनाने के लिए बासमती चावल ली हूँ 1 गिलास, 1/2 टीस्पून मेथी ली हूँ, और इसमें मैं पानी डाल करके 4 to 5 आवर के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से चावल फूल जाए। अब मैं दाल ली हूँ, जितना मैं चावल ली हूँ उसका 1/2 क्वांटिटी हमें दाल लेना है, उड़द की दाल, और 2 टीस्पून चने की दाल ली हूँ। इसमें भी पानी डाल करके हमें 4 से 5 आवर तक के छोड़ देना है, जब तक के ये फूल जाएगा। उसके बाद हमें पीस देना, और पीसने के बाद भी हमें 8 आवर के लिए छोड़ना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। देखिए, आप देख सकते कितना अच्छा बैटर बन चुका है। ये मिक्स करके देखेंगे, ये काफी थिक है, इतना गाढ़ा ये नहीं रहेगा, तो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखलाऊंगी किस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा गाढ़ा रहा तो हमारा जो डोसा है अच्छे से नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं होगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें सॉल्ट डालना है और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको वाटर की अगर और ज़रूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसे एकदम पतला रखना है हमें। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखला रही हूँ किस तरीके से हमें रखना है बैटर को। बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। चलिए, एक पैन लेती हूँ मैं, ऑयल डाली हूँ, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करूँगी। उसके बाद हमें ऑयल को पोंछ देना है, टिश्यू से या किसी भी चीज़ से हमें पोंछ देना है। चलिए, अब इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे, अच्छे से घुमा करके हम इसे फैला देंगे बैटर को पैन में। हमें बैटर को अच्छे से फैलाना है पैन में, अगर एक जगह रह जाएगा ये बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा, इसलिए हमें फैलाना है। अगर आपको आलू की फीलिंग्स और चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप जा करके देख सकते हैं। डोसा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं या फिर शाम में भी ले सकते हैं। और इसे हमें टर्न बिल्कुल नहीं करना, ना टच करना है, 2 से 3 मिनट तक के बिल्कुल कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट के बाद आलू की फिलिंग्स हमें रखना है और इसे अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद हम फोल्ड करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक ये एंजॉय करें। बाय बाय।